हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्कर सर। मिशन नवोदय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका यहां पर स्वागत है। हमारा आज का है यूनिट 9, और यूनिट 9 में हमारा डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, इस अंतर्गत हमारा है असाइनमेंट 9.2। तो 9.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है आज, अ ट्रैवलर कवर 2/15 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन, 9/20 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन बाइसिकल। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, इसका टोटल डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 2/15 ये है टोटल डिस्टेंस का, किसका, ट्रेन का। ठीक है, जो भी टोटल डिस्टेंस है वह टोटल डिस्टेंस का 2/15 डिस्टेंस किससे तय किया गया है, वह है ट्रेन से। ओके, 9/20 है यहाँ पर बाय बस, और रिमेनिंग है 10 किलोमीटर का यहाँ पर है बाइसिकल से। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कि हमें पता है कि यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो चीज हमें पता नहीं है उसके लिए हम लिखेंगे अभी x। ओके, तो जो टोटल डिस्टेंस है, मान लेते हैं यहाँ पर कि जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, कितना x किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पर ट्रेन के बारे में लिखेंगे, ट्रेन का कितना है यहाँ पर 2/15 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ऑफ द, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 9/15 है किसका, x का। ठीक है, ओके, या फिर x मल्टीप्लाइड बाय 9/15 लिखिए, या फिर सॉरी 9/15 नहीं है, 2/15 है। ओके, x मल्टीप्लाइड बाय 2/15 लिखिए, या फिर 2/15 मल्टीप्लाइड बाय x लिखो, दोनों एक ही है। ओके, तो ये हो जाएगा 2x/15, इतना समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। ठीक, हमने किलोमीटर में से निकाले हैं, कन्वर्ट किए हैं। उसके बाद में हमारा है बस, बस का है वह टोटल डिस्टेंस का x किलोमीटर का। ठीक है, का, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो ये होता है हमारा 9/20, 9/20 क्या है, बस के लिए है। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9x/20, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर में। ओके, नंबर थर्ड है यहाँ पर कि बाइसिकल से कैसे जा रहा है वह, बाइसिकल से जाता है वह 10 किलोमीटर। ओके, ठीक है, सब का सब आ गया है यहाँ पर किलोमीटर में, और टोटल कितना है यहाँ पर, टोटल है हमारा x, तीनों का जो एडिशन रहेगा वह एडिशन कितना आएगा हमारा, x किलोमीटर। ओके, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलो, सबका हम टोटल लगा लेते हैं अभी, किसका टोटल लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं हम लोग ट्रेन प्लस बस प्लस बाइसिकल। ओके, और ये तीनों का टोटल हो जाएगा हमारा x किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर ट्रेन है 2x/15, बस है हमारा 9x/20, और बाइसिकल से जा रहा है 10 किलोमीटर, ये तीनों का हो जाएगा x किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए 15 और 20 अलग अलग चीजें, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। ओके, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अलग है, हमें एडिशन करना हो या सबट्रैक्शन करना हो, डिनोमिनेटर क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, सेम चाहिए। ओके, कॉमन नहीं हो सकता यहाँ पर, तो इसका हम क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम निकाला जाए तो 5 5 5 3 15 5 4 20। ओके, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 × 3 × 4 = 15 × 15 × 4 = 60। ओके, तुम्हारा कितना आ गया, 60 आ गया। तो इसको अरेंज कर देते हैं, 2x/15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 60 आएगा। ओके, इधर भी ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9x/20, 20 × 3 = 60 हो जाएगा, उस इसके लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलो, 10/1, हर नंबर का जो डिनोमिनेटर रहता है वह रहता है 1 रहता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया हूँ। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे भी ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबका एडिशन होगा x। ठीक है,
इतना समझ में आ चुका है। चलो अभी लिखते हैं इसका भी, मल्टीप्लिकेशन करो, 4 8x + 9 3 27x, ओके, प्लस 600 इसका मल्टीप्लिकेशन, और सभी लोग क्या हो गए, 60 60 60, ओके 60 हो गए। नहीं समझ में आ रहा है, चलो ओके कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम इसका डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है यहाँ पर, देखो 15 4 60 होता है, 23 60 होता है, और ये 60 हो गया, ओके इतना समझ में आ चुका है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, सभी का एडिशन कर लेंगे बेटा, 8x + 27x + 600, और ये एक कॉमन हो गया इसलिए मैं वन टाइम लिखूंगा यहाँ पर, और ये होता है हमारा x। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी आपको मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, 8 + 7 कितना होता है, 35, 27 + 8 = 35, x + यहाँ पर हो जाएगा 600 / 60 = x, ओके तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ओके कुछ भी नहीं है नीचे तो 1 लिख देंगे हम लोग, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में, अब देखो इसका क्रॉस हो जाएगा 35x + 600, ओके = 60 × x, ओके ठीक है इतना समझ में आ चुका है। अब देखिए 60x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 35x + 600, और ये हो जाएगा आपका 60x, ठीक। अब देखिए ये 600 है दोस्तों, ये 600 एज इट इज लिखेंगे, 60x माइनस, ये प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, 35x हो जाएगा, ओके 600 = ये हो जाएगा हमारा 25x, ओके x निकालना है हमको तो 600 / 25, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वह मल्टीप्लिकेशन में है। 25 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 25 1 25, और 25 2 50, 60 - 50 दैट इज 10 10, और ये 0 हो जाएगा हमारा 100, 25 4 जा, ओके तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर, वह है x = 24 किलोमीटर, ओके तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर x = 24 किलोमीटर, तो हमारा आंसर आ चुका है अभी x के लिए हमारा आंसर आ चुका है 24 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अभी, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर कहाँ पर है, c इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे बताना चाहूंगा, आपको बोलना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक की हमारे मिशन नवोदय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्द से जल्द से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि जो नए अपलोडेड वीडियो है वह आपके तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 men and 6 women कैन फिनिश वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय 2 men and 9 women। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि एंड और का मीनिंग होता है इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर मेरे ख्याल से और होना चाहिए, यस दिस इज द और, ये है और में, ठीक है तो और का मीनिंग होता है इज इक्वल टू, और एंड का मतलब होता है एंड का मतलब होता है एडिशन, प्लस करना, ओके। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 4 men and 6 women, ठीक है, 4 men अगर काम करते हैं तो 16 डेज लगता है, या फिर 6 women अगर काम करते हैं तो भी 16 डेज लगेगा, और क्या पूछा गया है कि 2 men and 9 women दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, हाउ मेनी डेज, कितना दिन लग सकता है। दोस्तों क्वेश्चन को जरा समझ लो आप, यहाँ पर लिखेंगे हम मैन, यहाँ पर लिखते हैं वुमन, ओके और इधर लिखेंगे हम डेज, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैन है बेटा, यहाँ पर 4 men,
वो मैंने यहाँ पर सीज, तो और का मतलब होता है इज इक्वल टू, देन इधर डेज में आएगा 16, या फोर मैन को 16 डेज लगता है काम करने के लिए, या फिर 6 वुमन को भी लगेंगे 16 डेज। उसके बाद में टू मैन और 9 वुमन दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, 9 10 11 लोग अगर काम करते हैं, तो कितना डेज यहाँ पर लग सकता है। तो सबसे पहले हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये कतई नहीं होगा, ये पूरा गलत आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बारे में अभी सोचेंगे, ओके, हम इसके बारे में पहले सोच लेंगे। यहाँ कहता है कि 4 मैन एन ए 6 वुमन होता है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि 2 आदमी 2 मैन एन ए कितना वुमन हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि 4 मैन यानी होता है 6 वुमन, तो 2 मैन यानी कितना यहाँ पर वुमन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है मैन, ये होगा आपका वुमन में। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे अभी, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके, एक्स इज इक्वल टू एक्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पर ये जाएगा डिवाइड में। तो 2 का टेबल बोल देंगे हम लोग, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 एंड 2 वन जा 2, 2 3 जा 6। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अभी कि 2 मैन, ओके, ये हमारा कितना आ गया, x यहाँ पर 3 आ गया। ओके, x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इतना इतनी बात ध्यान में आ चुकी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 आदमी 2 मैन यानी कितना हो जाएगा, 3 वुमन के बराबरी में हो जाएगी। 2 मैन यानी कितना हो जाएगा, 3 वुमन, 2 मैन यानी 3 वुमन। ओके, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर अभी, इसे मैं सर्कल बना दूंगा, सर्कल बनाओ या फिर स्क्वायर बनाओ, मैं स्क्वायर बना दिया। और इसके जगह पे लिखूंगा मैं 3 वुमन, कितना 3 वुमन लिखूंगा। ओके, और इसे मैं सर्कल बना देता हूं, और ये 3 वुमन प्लस 9 वुमन कितना हो गया यहाँ पर अभी, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 9 9 10 11 11 ठीक है 9 12 ओके 9 प्लस 3 12 हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई, तो हमारा अभी ये काम हो गया, हमारा अभी बच गया इतना भाग। ओके, तो हमारे पास आ गए 12 वुमन आ गई यहाँ पर, तो 9 वुमन को 16 डेज लगेगा, तो 12 वुमन को कितना डेज लगेगा, चलो इसका अलग से बना लेंगे हम लोग, सिर्फ वुमन के बारे में सोचेंगे, वुमन और यहाँ पर लिखते हैं डेज। ओके, ठीक है, तो हमारा कैसे हो गया ये कि 6 वुमन को यहाँ पर लग रहे 16 डेज, तो मैं हमारे पास है 12 वुमन को कितना लगेगा। ओके, ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। इसे हम सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये इम्प्रॉपर रेशियो है यहाँ पर, तो ऐसा ही इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 16। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ हो जाएगा ये डिवीजन में। बात समझ में आ चुकी है, तो 6 का टेबल बोलेंगे 6 वन जा 6, ओके 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ चुका है अभी, x आ चुका है हमारा, x इज इक्वल टू यहाँ पर 8 वन जा 8, तो x हमारा है यहाँ पर डेज, हमारे डेज आ चुके हैं अभी, डेज इज इक्वल टू 8। 8 डेज कहाँ पर है हमारा, 8 डेज है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको इसको अच्छे से समझना है तो और एक बार इसे देख लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 5:45 AM एंड रीचेस द नेक्स्ट स्टेशन एट 9:20 AM, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन, दूसरे स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंची, उसको कितना समय लगेगा। ओके, कितना समय लगने वाला है, चलो क्वेश्चन को देखेंगे, कितने बजे स्टार्ट हो गई ट्रेन, ट्रेन स्टार्ट हो गई सुबह 5:45 में। ओके, और यहाँ पर कितने बजे पहुंची वह, नेक्स्ट स्टेशन पहुंची वह 9:20 पे पहुंच गई, 9:20 में पहुंच गई, सुबह ही पहुंच गई, को
कोई ज्यादा तकलीफ वाला काम तो है ही नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज द टेकन, व्हाट इज द टाइम टेकन, इसका टाइम हमें निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक चार्ट का यूज करना है। हमको यहाँ पर ऐसा सिंपली एक लाइन खींच देना है और स्टेशन जो भी है यहाँ पर होता है, ये स्टार्ट पॉइंट होता है और ये होता है हमारा रीच पॉइंट। ओके, जहां पर वो पहुंच गई, रीच पॉइंट, ठीक है, कितने बजे पहुंची हो। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट कितने बजे हो गई, यहाँ पर हो गई 5:45 AM, सुबह ही निकली और सुबह ही यहाँ पर पहुंच गई, 9:20 AM में ही पहुंच गई। ओके, सुबह निकली, सुबह ही पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम निकालना है, तो दिस इज द टाइम, इसे कहते हैं टाइम। ओके, ये हमारा टाइम हो गया, ये चीज हमें निकालना है। अगर स्पीड निकालना रहता तो यहाँ पर रहती हमारी स्पीड ऊपर, ऊपर स्पीड लिखते, लेकिन हमें स्पीड निकालना नहीं, हमें फिलहाल अभी क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो ये होगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम निकालना है, तो ये जो रीच का टाइम है, जो पहुंचने का समय, उसमें से आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोपहर के 12 के बाद पहुंची नहीं है, तो इसलिए 12 बजे तक का समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखेंगे आर, यहाँ पर होता है मिनट। तो हम क्या करेंगे, ये जो समय है हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे पहले, और ये जो समय है माइनस कर देंगे। ओके, 5:45 माइनस, समझ में आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 20 माइनस 45 तो होता नहीं यार, ये तो संभव नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 1 आर इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 प्लस 60, दैट इज हो जाएगा 80। ओके, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये 80 मिनट से हम 45 मिनट माइनस कर देंगे, 5 माइनस 0 माइनस 5 तो नहीं होता, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5 कैरी 1, 8 माइनस 5 3 35। ओके, 35 आ गया, 8 माइनस 3 कितना होता है, 8 माइनस 5 कितना होता है यहाँ पर, 3। तो इसको समय लग गया 3:35 का समय लग गया यहाँ पर। ओके दोस्तों, आ गया, तो हमारा आंसर आ चुका है 3:35, इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। 3:35 इज आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ये सही रहेगा डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12 men or 15 women can finish a work in 24 days. In how many days the same work can be finished by the 8 men and 8 women? एक काम है, उस काम को 12 men और 15 women अगर काम करते हैं तो 24 days लगते हैं। ठीक है, 12 भी काम करेंगे तो 24 दिन लगने वाला है, और 15 ladies अगर काम करती उसको भी 24 दिन लगने वाला है। ठीक है, काम पे या फिर आदमियों को बुलाओ या फिर वुमन को बुलाओ, 24 डेज लगने वाले। फिर बोलता है यहाँ पर कि अगर 8 मैन और 8 वुमन एक साथ बुला देते हैं, 16 लोगों को अगर बुला देंगे तो कितना यहाँ पर दिन लगने वाला है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर मैन, उसके बाद में वुमन, और इधर लिखते हैं हम लोग डेज। ओके, तो मैन कितना है यहाँ पर, यहाँ पर है 12 मैन और लिखा है ना इज इक्वल टू हो गया 15 वुमेन, तो इनको सबको लगेगा 24 डेज। उसके बाद में 8 मैन और 8 वुमेन, एंड लिखा हुआ है तो एंड का मतलब होता है एडिशन कराना, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, बट 16 का हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 8 प्लस 8 नहीं होगा, क्योंकि उमन है 8, तो उमन का एडिशन उमन के साथ ही करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है एक्स डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें इसको तय करना पड़ेगा कि 12 आदमी, 12 मैन एने होता है 15 उमन, तो 8 मैन एने कितना हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम इधर जाएंगे, हम लोग मैन लिखते हैं और उमन लिखेंगे यहाँ पर सिंपली ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 NA होता है हमारा 15, तो 8 NA कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा
12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 15, ओके इसे हम क्रॉस बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 और ये हो जाएगा हमारा 12, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स 4 का टेबल, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 15, हाँ 4 थ्री जा 4, 3 जा 12, ओके। 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 2, 5 टू जा 10, कितना होगा 10 होगा, ओके ठीक है चलेगा। 12x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 15, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 3 वन जा 3, 3 5 जा 15, 5 टू जा 10, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10 आ गया, x इज इक्वल टू 10, ओके x इज इक्वल टू 10। यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 8 मैन यानी हो गया हमारा 10 वुमन के बराबरी में होगा, ओके। तो 8 मैन कितना होगा, 8 मैन होता है हमारा, 8 को हम क्या करेंगे बस सर्कल बना दो या फिर स्क्वायर बना दो कुछ भी चलेगा। तो 8 की जगह हम लिखेंगे या फिर कट कर सकते हो, 8 की जगह लिखेंगे हम 10, 8 की जगह 10 लिख दें यहाँ पर। तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा हमारा इसे भी हटा देंगे अभी, 10 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 18, ओके ठीक है 18 आ गया। तो अब इसको चेंज कर देंगे वुमन और डेज, क्योंकि टोटल वुमन हो गया 10, वुमन हो गई ये 10 क्या है ये अभी वुमन हो गई हमारी, ठीक है 10 वुमन प्लस 8 वुमन दैट इज 18 वुमन हो गई हमारी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 उमन को लग रहा है यहाँ पर 24 डेज, तो हमारा 18 उमन को कितना x डेज लगेगा, ओके तो यहाँ पर हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 24, x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 अपॉन 18, ठीक है समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर 3 के टेबल से 3 5 जा 15, 3 6 जा 6 1 जा 6, 6 4 जा साइन चो 24, 24 ओके। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा हमारा, देखिएगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है 20, 5 4 जा 20। तो हमारा डेज कितना आ गया, हमारा डेज आ गया अभी x क्या है बेटा डेज है 20 डेज आ गया, 20 डेज कहाँ पर है हमारे वही ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू एक्सप्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम जम्मू एट 8:20 AM, इट टेकन 8 आवर्स 35 मिनट टू रीच दिल्ली, इफ इट इज लेट 25 मिनट से लेट भी होगी देन एट व्हाट टाइम इट विल रीच दिल्ली, दिल्ली कितने बजे पहुंची। जम्मू एक्सप्रेस सुबह निकल गई 8:20 पे और उसे समय लगा उसको 8 घंटा 25 मिनट, उसको जर्नी के लिए समय लग गया और 25 मिनट लेट भी हो गई वो, तो वह दिल्ली कितने बजे पहुंची, ठीक है दिल्ली कितने बजे पहुंची, इतना समय उसको लगता है लेकिन वह लेट हो गई। तो एक चार्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा बना लेना है ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर होता है ये स्टार्ट पॉइंट होता है और ये उसका रीच पॉइंट होगा, रीच बोलो एंड बोलो चलेगा। तो हम यहाँ पर लिखना है हमको कि दिल्ली जम्मू से स्टार्ट हो गई 8:20 को स्टार्ट हो गई सुबह और उसको समय लग गया यहाँ पर, दिस इज द टाइम उसको समय लगता है, एक्चुअल समय लगेगा उसको 8:35, इतना समय वह लेती है हर बार, बट वह लेट हो गई ठीक है, तो लेट का समय भी तो ऐड करना पड़ेगा, 25 मिनट फिर लेट हो गई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x ठीक है ना, कितने बजे पहुंची x बजे पहुंची वह, तो हम क्या करेंगे इतना समय उसको लगता है तो हम इसका एडिशन कर देंगे, एडिशन करने के बाद हमारा ये समय तो आराम से निकल जाएगा ठीक है, इसका हम क्या करेंगे एडिशन कर देंगे ओके। तो चलो एडिशन कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर हो जाएगा r, ये हो जाएगा हमारा मिनट ओके ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर लिखेंगे हम लोग 8:20
प्लस 8 35 प्लस यहाँ पर 25 मिनट लेट पहुंच गई, ये भी एडिशन होगा। 5 प्लस 5 कितना होता है 10 प्लस कैरी 1 3 4 5 6 7 8 ओके 8 प्लस 8 16 ये हो गया हमारा 16 बजकर 80 मिनट। तो 16 बजकर 80 मिनट तो होता नहीं, तो यहाँ से 60 माइनस कर देंगे और इधर प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 17 बज के 20 मिनट। ओके 17 बज के 20 मिनट, तो यहाँ पर ये टाइमिंग है हमारा 24 आवर का टाइमिंग है हमारा कितना 24 आवर का टाइमिंग है। यहाँ से 12 माइनस कर देंगे तो 12 आवर का टाइमिंग निकल जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा शाम के 5 बज के 20 मिनट 5:20 पीएम हो जाएगा। ओके तो 5:20 पीएम कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके तो इस तरह से आप सॉल्व करिए, एकदम से इजी हो जाएगा, एकदम इजी टेक्निक है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आप आज की क्लास यही खत्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पीरियड में कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।